तो आज हम करने वाले बायोटेक्नोलॉजी एंड का पार्ट टू, पे टू लिख देते हैं ठीक है गलत हो गया थोड़ा सा पार्ट टू ऑफ द चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम एक बजे उड़ के आएंगे किसमें एंटी मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस के लिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं चैट बॉक्स में दिया हुआ है ठीक है यस बच्चो चलो जाओ भाई जाओ लेट्स कम या अरे इंट्रो तो तुम्हें पता ही है ये तो जूनियर्स को बताना पड़ेगा ना इंट्रोडक्शन यस फिर वो पहले कंपेयर भी तो करेंगे तो चलो अभी का खेल शुरू को आपने किया है तो कर लीजिए क्योंकि ट्वेंटी का एग्जाम कब होगा ये तो हमको भी नहीं पता ठीक है और चाचा बता दे तो बहुत ही बढ़िया मजा आ जाएगा तो बेटा लाइक शेयर भी कर देंगे तो और मजा आ जाएगा बिल्कुल अच्छा मैम जोरदार लग रहे हो शर्मो हया के पर हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल है है इसको ज्वाइन करना हजार बच्चे हो गए हैं मैं बता दूं, कितने बच्चे हो छप्पन हजार साठ हजार करने इसके लिए लिंक आप पे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और उसे ज्वाइन करना जरूरी है ठीक है कोई चार्जेस नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट है अब आते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन पे जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म वाले बच्चे तुमसे जितनी उम्मीद थी मुझे मैंने उतना बता दिया अब हमारे लॉन्ग टर्म वाले बच्चे हैं, वो सारे एजुकेटर से पढ़ेंगे ठीक उनको आप ज्वाइन कीजिए अपनी पढ़ाई आज से ही बढ़िया बेस्ट एजुकेटर से पढ़िए जहां पे आपको डीपीपी डिस्कशन टेलीग्राम चैनल भी उनका पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करने को मिलता है ठीक है टीचर आपको और अटेंशन देता है आपको ये नहीं बोलना पड़ता बार बार चैट बॉक्स में मैम मेरा नाम ले लो मैम मेरा नाम ले लो मैम मेरा नाम ले लो ठीक है ये सब आपको बोलना नहीं पड़ता है तो इसी के लिए बेटा आपको क्या करना होता है आपने जी एन ई ट्रेफरल कोड यूज करना होता है जैसे आप ये कोड लगाते आपको 10% परसेंट ऑफ मिल जाता है तो 12 और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो परमानेंटली ले आप जुड़ जाएंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म

इस शनिवार सुबह नौ से दस बजे आपका टेस्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाकी के चार चैप्टर्स का ठीक है और अगले सैटरडे आपका बायोटेक का टेस्ट होने वाला है सुबह नौ बजे इसमें आप सकते हैं फ्री एनरोलमेंट के लिए भी आपने जीएनईट रेफरल कोड यूज करना है ठीक है फ्री कोड यस कब है कॉम्बैट ग्यारह बजे चलिए आज का लेक्चर शुरू करेंगे चार मिनट हो चुके हैं चलो आ जाओ बेटा आ जाओ लेट स्टार्ट मैम का लाडला इज हियर ओके फैजल इज हियर मैम की रानी बिटिया कौन है फिर यस yes. ये yes. फिर मैम की रानी बिटिया कौन है बेटा लाडला आ गए तो रानी बिटिया भी होंगी बहुत सारी यस yes. चलो आ जाओ बेटा आज की पढ़ाई शुरू करेंगे और सब बच्चे इंस्टा पे शेयर करेंगे मैम के साथ कि उन्होंने कितनी अच्छी उनकी पढ़ाई चल रही है ठीक है मैं भी शेयर करती हूँ आपकी स्टोरीज जो आप आप मुझे टैग करते हैं ठीक है सबके सब, सब मैम की रानी बिटिया है गॉड oh इतनी सारी रानी बिटियां संभालूंगी कैसे बेटा लिमिटेशन है इतनी सारी रानी बिटिया चलो आ आज मेरा लाडले बच्चों और रानी बिटियाओं ये आज हमें शुरू करना है

विद इन हो सेल कितने नंबर ऑफ कॉपी बन रहा है आपका न्यू डीएनए का इन द हो सेल उसको हम बोलते कॉपी नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा मोर द कॉपी नंबर मोर द कॉपी नंबर बेटर इज द प्लास्टमेट बेटर इज द वेक्टर ठीक है बेटर होगा आपका वेक्टर ठीक है

एंड इट इज गेटिंग worse डे बाई डे कितने बच्चे आजकल फोकस नहीं कर पा रहे पढ़ाई पे ये आज मैं बताऊं आपको सातवां आठवां मैसेज है जो मैंने आज की डेट में देखा है सुबह से मैं चैनल के सारे comments रीड कर रही थी तो ये बच्चों का बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम आ रहा है आजकल कि आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे कितने बच्चों को प्रॉब्लम है ये चीज की काफी काफी सारे बच्चे ओके चलो इस पे दो मिनट चर्चा करेंगे बिफोर वी गेट इन दिस मुझे लगता है तुम्हें एक मोटिवेशन की जरूरत है मोटिवेशन बाई जी बहुत फर्जी होता है मैं सच बता रही हूँ आई एम नॉट अ नॉट ऑल अ गुड मोटिवेटर मुझे ऐसा हमेशा लगता है मैं वो भारी बारी शब्द नहीं बोल पाती बट मैं आपको हमेशा एक चीज बोलूंगी बेटा मैं आपको अपना कल का किस्सा बताती हूँ कल क्या हुआ जब मैं एट ओ कल मैं सो गई मतलब रात के आठ बजे कोई सोता है नहीं सोता और आज मैं सुबह बता कितने बजे उठी नौ बजे मतलब तेरह घंटे की नींद तुम्हारी जीसुअर ने ले ली रीजन मैं बताती हूँ तुम्हें जब मैं घर गई अप्रोक्सीमेटली छह बजे मैं स्टूडियो से घर गई मेरे बॉडी एक होना शुरू हो गया और बॉडी एक या सर दर्द होता है तुम्हें पता आजकल डर सबको लगता है मुझे बहुत डर लगा मतलब आई वॉज सो स्केर्ड कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा मैंने कहा चलो यार छोड़ो सब कुछ सो जाते हैं कल की क्लास में बच्चों को बोलेंगे कि बच्चों आज क्लास नहीं हो पाएगी बोल देंगे फिर जब मैं आज सुबह नौ बजे उठी आराम से मैंने पक्का सोचा हुआ था आज मैं बच्चों को बोलूंगी बेटा आज ना क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा बॉडी एक है नहीं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही हो गया था फाइनल उसके बाद ना बस एक थॉट आई मेरे दिमाग में अगर आज मैंने क्लास नहीं ली तो क्या होगा मेरे उन दस हजार बच्चों का जो पर डे एक वीडियो का वेट करते हैं जब वो दस हजार का मेरे दिमाग पे ऐसे घूमने लगा ना तो विद इन लाइक पंद्रह मिनट मैंने कहा उठ गर्मा उठ तो दैट थॉट एक ऐसी थॉट जिसने मुझे उठा दिया और मैंने कहा मैं जा रही हूं जो होगा देखी जाएगी सेशन में अगर खड़ी हो पाई पढ़ा पाई तो पढ़ा लूंगी वरना कोई नहीं एक क्लास और ले लूंगी ठीक है तो बेटा हर इंसान का ना एक मोटिव होता है कि आप क्यों करना चाहते हो जब मैं वो दस हजार बच्चों के बारे में सोचती हूँ जो मेरे पे डिपेंडेंट है इस चैनल पे डिपेंडेंट है तो अपने आप लगता है कि मैं संडे को भी क्यों छुट्टी लू मैं संडे को भी छुट्टी नहीं ले पाती मेरी पूरी फैमिली कहती है संडे को छुट्टी ले लो बट मैं नहीं ले पाती उसका रीजन पता है क्या है उसका रीजन एक यही रीजन है कि क्या मेरे वो दस बच्चे कल तो सत्रह हजार बच्चों ने भी देखा सेशन सत्रह बच्चे जो वेट करें उनका क्या वॉट अबाउटीन थाउजेंड कि हाँ अगर ये मुझे डॉक्टर बनने इस थॉट के लिए अगर आपका थॉट बहुत प्योर है ना बच्चों वो ना आपको सोने देगा ना आपको ढंग से खाने देगा ना आपको घूमने देगा आपके हर वक्त दिमाग में ये रहेगा क्या करूं कि मेरे नंबर अच्छे आ जाए

मैंने तो मैं अभी तक मॉड्यूल में फंसा हुआ था, टीचर के नोट्स में फंसा हुआ था मैंने अभी तो लगता है, और एनसीआरटी को डिटेल में पढ़ाओ और पढ़ाओ तो बेटा आप अपने जीवन में एक ऐसा रीजन ढूंढो जो आपको सच में चाहता है कि मैं पढ़ू ठीक है मैं सच में कह रही हूं आपको ढूंढो वी डोंट मेक नॉनसेंस सेंस Views, अगर हमारा एक पर्पस होता तो आज हम तीन टीचर्स हैं, हम कुछ भी बना सकते तो मैं आपसे कहती बेटा, अपना और उसको प्लीज इतना स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि वो तुम्हें ना सोते जागते खाते पीते वॉशरूम में हर जगह तुम्हारे दिमाग में बस वही घूमना चाहिए भाई आपका आगे बढ़ा देगा ठीक है तो बेटा यस <laughs> चलो बेटा आज चलते हैं बच्चे कितने भी हो हम तो अपना चार्टर पढ़ाएंगे बेटा है चलो प्लांट फिजियोलॉजी शुरू होगी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जैसे बायोटेक खत्म होगा प्लांट फिजियोलॉजी शुरू हो जाएगा चलिए अब आज इतना ही मैं देख इतना ही मोटिवेशन मेरे को आता है इतना ही मैंने अपने देना चाह चलिए अब आते बेटा नेक्स्ट पे सेलेक्टेबल मार्कर पढ़ाई शुरू करते हैं क्या है? जिससेट करते हैं क्योंकि हम बैक्टीरियल सेल को देख नहीं पाते हैं तो सब अंदाजे से काम चल रहा है एवरी थिंग इज गोइंग इन अ फॉर्म ऑफ अंदाजा ठीक है तो सेलेक्टेबल मार्कर इन एडिशन टू और एक्ट द वेक्टर रिक्वायर अलेक्टेबल मार्कर

आ जाइए एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स क्या होती है द वन द मेडिसिन बैक्टीरिया ठीक है yes. so they kill ये वो दवाई है जो बैक्टीरिया को किल करती है बट बैक्टीरिया के पास भी अपने आप को बचाने के लिए एक हथियार होता है ठीक है उस हथियार का नाम क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जिस भी बैक्टीरिया के पास ये रेजिस्टेंस जीन होगा वो उस medium, उस मीडियम एंटीबायोटिक से मारा नहीं जा सकेगा ठीक है बच्चों ये बहुत चीज है तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो बैक्टीरिया उनके पास रेजिस्टेंस हो सकता यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कअ फॉर इकोलाइट E cells do not carry नहीं है। आप एक आपके सामने एक आया। बच्चो आ जाओ एक पेशेंट आया पेशेंट ने कहा कि मेरे को बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ है, मेरे को फोड़ा हो गया ठीक है आपने कहा हो गया ये ले दवाई ले लिया एंटीबायोटिक उसने एंटीबायोटिक तीन दिन का उसको फर्क ही नहीं पड़ा

अब देखते हैं अब यहां पे इंपॉर्टेंट है हमारा पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू इसको बेटा ध्यान से पढ़ेंगे सर इसको ध्यान से पढ़ना है चलिए पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू इसके बारे में सब लिखेंगे यहां पे क्या होता है पी व्हाट पी स्टैंड फॉर पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड बी स्टैंड फॉर बॉलीवर आर स्टैंड फॉर रॉड्रिग्यूज and 322 stand for order of development in the same laboratory order of development ठीक है ये किसने बनाया था आपके Bolivar and रॉडिग्यूज ने बनाया था ठीक है अब यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन pvr 322 जल्दी बताइए काउंट कीजिए टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स चलिए जल्दी बताइए कितने है टोटल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट एट है तो यहां पे हम एट लिख देंगे अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है या कितने सेलेक्टेबल मार्कर्स है यहाँ पे दो सेलेक्टेबल मार्कर्स लिए आपने कितने लिए दो सेलेक्टेबल मार्कर आपने लिए हैं ठीक है दो सेलेक्टेबल मार्कर्स की बात करें तो एक कौन सा है टेट्रा रेजिस्टेंस और दूसरा कौन सा है एम्पसिल रेजिस्टेंस ठीक है अब टेट्रासाइक्लिन इस वाले हिस्से की बात करें तो इसकी ट्रिक टू रिमेंबर क्या है चलिए जल्दी बताइए ट्रिक टू रिमेंबर आ जाओ ट्रिक है ट्राई ट्राई बनाना बनाना सैलेड यानी कि जो आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है उसके अंदर बैम एच वन की साइट है और साल वन की साइड है ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए दूसरा हमारा ये वाला हिस्सा है जिसको याद रखना है ठीक है तो इसको क्या है पीटी पीटी टीचर पीटी टीचर पीटी टीचर से याद रखना है पीटी टीचर कॉल्स कॉल्स इसे याद रखेंगे अमर एंड पीयू मैं हमेशा एक जोक सा छोटा सा यहां पे मारती हूँ कि क्यों पीटी टीचर अमर और पीओ को साथ में बुला रहा है ये तो ना हमें पता है, ना आपको पता है जोक भी इतना पुराना हो गया ठीक है थीके? तो यहां पे देखिए तो पीटी टीचर कॉल्स अमर एंड पीओ ये आपका सेकेंड हो गई ठीक है ट्रिक टू रिमेम्बर अब इस वाले हिस्से को याद करते हैं चलिए आइए क्लास वन ये क्या हो गई हमारी क्लास वन के सेक्शन ई क्लास वन सेक्शन ई इज हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम तो इस तरीके से आपको सेवन साइट्स तो याद हो जाएगी ठीक है अब आर में जो एक अलग से साइट है वो है पीवीओ टू क्योंकि यहां पे सारी साइट्स ऑलमोस्ट आपकी वन नंबर की होती है क्या है ये स्ट्रक्चर सबको याद हो गया बताओ चैट बॉक्स में यस हो गया सबको याद ये वाला चलो अब पे आते बच्चों क्लोनिंग साइट्स अब इसको करते हैं और ये फिर इसी ऊपर क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन करने के लिए तैयार बताइए चलिए आ जाओ अच्छा बच्चे कह रहे हैं इसको आर आई पी क्या ट्रिक दिया तुमने इसकी आर आई पी बेटा कभी आर आई पी से भी बाहर निकलो ना लाए तो इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए एलियन डीएनए कौन सा हमारा डिजायर डीएनए डिजायर डीएनए अब हमें इसे लिंक करना है द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकोग्नेशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कितनी रिकोग्नेशन साइट होनी चाहिए वेक्टर में जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में तो ये लाइन कह रहा है कि वेक्टर शुड हैव वेक्टर शुड हैव सिंगल क्लोनिंग साइट शुड हैव सिंगल क्लोनिंग साइट सिंगल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए

है ना यस yes. उनको टाटा कहना जरूरी है टनाना लाइव क्लास लेनी हो पाते प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी है प्लस सब्सक्रिप्शन की क्लासेस भी लाइव भी होती है ना लाइव को चलो बेटा आज 22 इसको समझते हैं ये हमारा पीबीआर 322 है दिस इज अ पी बी आर 322 ये हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ये हमारा एम्पिलिन रेजिस्टेंस ये हमारा ओराय ये हमारा आरोपी ठीक है ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन इफ पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू एंड फॉरन डी एन

बताओ यस जल्दी बताओ जल्दी बताओ 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 बताओ, बताओ। किसमें ग्रो करेगा बच्चों, थैंक यू आयुष किसमें ग्रो करेगा आई थिंक सब बच्चों ने बता ही दिया अगर यहां पे नया फॉरेन डीएनए लग रहा है तो इसके लिए रेजिस्टेंस जाएगी तो इसमें तो वो मर जाएगा बट इसमें वो ग्रो कर जाएगा तो इट विल ग्रो इन दिस मीडियम बट इट विल डाई इन दिस मीडियम क्वेश्चन बच्चों को प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर टू यह आपका पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू है यह आपका फॉरन डीएनए दिस इज योर फॉरन डी एन एसको हमने ट्रीट किया और इसको हमने ट्रीट किया चलिए वट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल नॉट ग्रो किसमें ग्रो नहीं करेगा बताइए जी बताइए इट विल नॉट ग्रो ध्यान से क्वेश्चन सुना करो ध्यान से क्वेश्चन सुना करो सही में बच्चों, सही में बच्चों। तुमने आंसर टेट्रासाइक्लिन दिया ना तुमने आंसर टेट्रासाइक्लिन दिया है मैंने मान लिया है ना पलटोगे नहीं अब पलटोगे नहीं विल नॉट ग्रो तो ये जो है यहां पे लाइगेट कर रहा है फॉरेन डीएनए तो एम्पसिल में ग्रो नहीं करेगा टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेगा बदल गए कितने बदलू हो बेटा तुम लोग एक नंबर के पलटू और बदलू बच्चों आगे समझ में ठीक है आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वन मोर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री <laughs> सोचो और मुझे बताओ मैम मैंने एमपी ने दिया था ओके स्मार्ट सौम्या ओके चलिए जल्दी बताइए आंसर बच्चों कम ऑन बच्चों किड्स कम ऑन कम ऑन कम ऑन यस सेजल शुभम बहुत सही आंसर आया बच्चों बहुत सही टू गुड किड्स टू गुड नाउ फाइनली आई कैन से ये वाला टॉपिक हमारे एक एक बच्चे को जबरदस्त तरीके से क्लियर हो चुका है अब हमारे बच्चे कभी भी इसमें मात नहीं खाने वाले हैं

तो हम किसी और देश में चले जाएंगे यस yes, मैं आपको सच बता रही हूं चलिए को समझना इस चैप्टर का आसान है कोई हमने पांच बार पढ़ा होगा ये चैप्टर समझने के लिए चलिए बेटा नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एक्टिवेशन ऑल्सो कॉल एस ब्लू वाइट स्क्रीनिंग Also called as blue -white screening. ठीक है? Yes. Blue -white screening कहते है, कहते हैं इसको। आ जो बेटा। अब इसमें हमें करना क्या? चलो देखो। ये हमारा जो vector है, इस vector को हमने लिया। पक 8. पक 18, पक 19 कोई भी ले सकते हो आप ठीक है सबसे पहले तो आप ये समझो अब पी समझते हैं प्लाज्मा यूसी समझते हैं यूसी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इसके पास एक साइट है एम्पोसिलिन रेजिस्टेंट जीन की एक साइट है एम्पोसिलिन रेजिस्टेंट जीन की दूसरी इसकी साइट है लैक जेड जीन की लैक जेड जितने भी हमारे क्लास के स्टाइलिश बच्चे वो लैक जी बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा लैक जी बोलेंगे ठीक है यस बिल्कुल अब देखो लैक जी जीन है यहां पे लैक जी जीन क्या बनाता है ये जीन बनाता है एक एंजाइम जिसका नाम है बीटा गलेक्टोसीडे क्या बनाएगा ये जीन ये जीन एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है गलेक्टा सॉरी बीटा गलेक्टोसीडेस ठीक है यहां पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है वन टू थ्री एक ही जगह पे इतने सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है तो इसे हम बोलते हैं एमसीएस क्या बोलते हैं इसको एमसीएस वेयर एमसीएस स्टैंड फॉर मल्टीपल मल्टीपल क्लोने साइड एमसीए स्टैंड फॉर मल्टीपल क्लोनिंग साइट ठीक है अब देखो हुआ क्या ध्यान से सुनना ध्यान से सुनोगे ना पक्का केस नंबर वन केस वन है हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी कि भाई कोई फॉरेन डीएनए नहीं है ठीक है जैसे हम जैसे लोग फॉरेन गए नहीं है ठीक है चल मैं एक दो जगह गई हूँ बट कंसिडर नहीं किया जाएगा एशिया में ही थी ठीक है अपन एशिया में घूमे हुए हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा इट्स लाइक like पड़ोस में गए थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया ठीक है अब हम जैसे लोग जो यहीं पे हैं कहीं गए नहीं है फॉरन गए नहीं है तो हम क्या बेटा नॉन रिकॉमेंट्स हम क्या नॉन रिकॉमिनेट हम गए नहीं ठीक है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करके थोड़ा बहुत घूमा है बस दैट्स ऑल ठीक है वहीं पे रिकॉमिनेंट्स है जो ज्यादा खर्चा करके बाहर गए हैं घूमने सात समंदर पार ठीक है बिल्कुल तो ये केस टू हम ले रहे हैं केस टू हमारा कौन सा है रिकॉम्बिनेंट कौन सा हमारा रीकॉम्बिनेट फॉरन डीएनए यहाँ पे क्या yes, यहां पे क्या है फॉरन डीएनए है ठीक है यस yes, बिल्कुल मैम कहाँ गई मैम भी मजे ले रहे हो ना नालायक एक नंबर के चलो आप देखो इधर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या है यह हमारा पक एट प्लाजमेड है ये प्लाज़मिड हमने होस्ट सेल के अंदर डाल दिया इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है जब हमने इसे होस्ट सेल के अंदर डाला तो एंजाइम बनेगा या नहीं बनेगा मी माय किड्स यस चलो जल्दी बताओ एंजाइम बनेगा बिल्कुल सही तो जब एंजाइम बनेगा तो लैक जेड जीन फॉर्म्स एंजाइम एंजाइम बना दिया ये जो एंजाइम है ये आपके एक्स गाल क्स्ट के आपका सबस्ट्रेट एंजाइम काम करेगा तो आपको बना के देगा प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट का कलर क्या होता है ब्लू है पानी 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 दिन भी सानी 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 ठीक है तो प्रोडक्ट क्या है ब्लू कलर का तो जितनी भी कॉलोनी जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो नीले रंग की दिखेंगी कौन से रंग की दिखेगी बच्चों नीले रंग की दिखेंगी अब यहाँ पे क्या हुआ है अब मान लीजिए यहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए है यहां पे फॉरेन डीएनए लगा है आर डीएनए ठीक है ये हमने ट्रांसफॉर्म किया होस्ट सेल के अंदर ये देखिए होस्ट सेल के अंदर आ चुका है क्या अब लैक्सेड जीन बनाएगा एंजाइम नहीं बनाएगा ठीक है लैक्सेड जीन फॉर्म्स नो एंजाइम अगर एंजाइम नहीं है तो क्या सबस्ट्रेट पे वो काम करेगा नो फंक्शन ऑन सबस्ट्रेट ठीक है नो प्रोडक्ट सेंस कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो कॉलोनी का कलर क्या हो जाएगा सफेद है ना यस yes. सफेद तो जितने भी रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेट हैं वो व्हाइट कलर की होंगी ठीक है यस yes. देन जितनी भी हमारी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली है जो भी हमारी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली है बच्चों वो क्या हो जाएंगे हमारी ब्लू कलर कॉलोनीज क्या हो जाएंगे बच्चों हमारी ब्लू कलर कॉलोनीज हो जाएगी ठीक है अब एक डीएनए के आने से आपका एंजाइम बना ही नहीं। इस प्रोसीजर को क्या बोलते है insertional inactivation बोलते हैं हैं। बच्चों? क्या आपको समझ में लगा अभी? अब एक फटाफट से क्वेश्चन और करा दो चलिए बताइए अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार फटा फटाफट से अप फिर मैं एक फटाफट से तुम्हें क्वेश्चन कराती हूँ तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा चलो दिस इज पैटरी डिश क्या बच्चा है बच्चा पार्टी है पैटरी डिश थाल नहीं है तुम्हारे खाने की ठीक है. है भाई थाल मत समझ लेना इसको पानी 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 पानी, 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 पानी। फिर भी दिन है साने 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 चलें आप में यहाँ पे पहला क्वेश्चन फ्रॉम जी स्क्वायर काउंट द नंबर ऑफ़ रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज़ रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज़ कितनी हैं जल्दी से चार्ट बॉक्स में काउंट करके बता दीजिए चलें जल्दी से कमाल आरआईपी इयर्स कुछ बच्चे सात लिख रहे हैं कुछ बच्चे पांच लिख रहे हैं क्या बात है भाई कौन से नशे करके आए हो सुबह सुबह है ना लाइको पांच को आंसर दे रहे हो सुबह सुबह डाट सुन के जाओगे देखो काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन व्हाइट कलर की जितने भी कॉलोनीज है वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होती हैं तो ये हो गई सेवन तो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कितनी हो गई ब्लू कलर की होंगी ठीक है यानी वन टू थ्री फोर एंड फाइव अगर ऐसे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप लगा पाएंगे यह भी एक सवाल है मेरे मन में रहता है हमेशा यस yes. जल्दी बताइए डन चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे यहाँ पे इस वाले से स्टार्ट करते हैं अब हम सिलेक्शन ऑफ रिकॉमिनेंट्स सिलेक्शन ऑफ रिकॉमिनेंट्स ड्यू टू देखो बात क्या है? दो दो एंटीबायोटिक्स लेके आप सिलेक्शन करने निकले हो यानी सब्जी हलवाई के घर में जो खाना बनता है मम्मी कितने कितनी देर में बनाती है आधे घंटे में बना देती है दाल चावल यही चीज होती है सबको यही चाहिए काम फास्ट चाहिए तो महनत, है ना? बिल्कुल. तो दो दो बार छौके लगाना तो बहुत मुश्किल काम था इसलिए हमने एक अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर हैज बीन डेवलप्ड इसलिए हमने दूसरा तरीका ढूंढ लिया खाना बनाने का जहां पे हम रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को अलग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यानी ऐसा सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट बनने के बाद कॉलर्स देगा क्या देगा बेटा कलर्स और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो क्या होगा हमारा रंग बिरंगा रंगीन में साचका होगा ठीक है इन

अब आते हैं नेक्स्ट पे वेक्टर्स क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बेटा ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर में आपको सारे के सारी इसकी एप्लीकेशन सिखाएंगे आर आई पी स्टल थैंक यू बच्चों अब आ जाओ बेटा यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स इंटू प्लांट एंड एनमल फ्रॉम बैक्टीरिया वायरसेस विच वी हैव नोन फॉर दिसजे हाउ डू डिलीवर जी टू ट्रांसफर यू के

सिर्फ डायकॉट्स को अफेक्ट करता है कौन से प्लांट्स को अफेक्ट करता है डायकॉट प्लांट्स को अफेक्ट करता है ठीक है डायकॉट्स को अफेक्ट करता है और इस बैक्टीरिया के प्लाज्मेट को उस प्लाज्मेट का नाम क्या है टीआई प्लाज्मेट तो टीआई आई प्लाज्मेट के बारे में सब बच्चे अपनी एनसीआरटी में इधर एक डायग्राम बनाएंगे जो जी स्क्वायर बना रही है ठीक है एवरी वन मेक दिस डायग्राम टीआई आई प्लाज्मेट ट्यूमर इंड्यूसिंग ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाजमेट ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाजमेट है आप आते हैं इसका एक बढ़िया सा डायग्राम बना रहे हैं हम देखिये वाह वाह क्या सुंदर डायग्राम बनाए हैं ये जो डार्क पर्पल कलर की मैम सीक्वेंस बना रही है इस सीक्वेंस का नाम है टी डी एन एन सी आर टी में क्या आप ये वर्ड खोज पा रहे हैं आप नहीं खोज पा रहे तो मैं बता देती हूँ टी डीएनए ठीक है यस दिस टी डीएनए इज ट्रांसफर डीएनए टी डीएनए स्टैंड फॉर ट्रांसफर डीएनए ठीक है ट्रांसफर डीएनए इसी के साथ चिपके होते हैं कुछ बहादुर जीन्स बहादुर बहादुर का मतलब वीर जीन्स वी आई आर जीन्स वी आई आर अब देखो बेटा बात है क्या अब यहां पे इसका थोड़ा सा प्रोसीजर हमें पढ़ने की जरूरत है जैसे ये प्लाज्मेट जैसे ही ये प्लाज्मेट आपके प्लांट सेल में जाता है प्लांट सेल में प्लाज्मेट गया चला गया प्लांट सेल के जितना भी जीनोम है, उसके साथ ये अटैच हो जाएगा ठीक है सो दिसन ए प्लस प्लांट जीनोम हो गया ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ बिल्कुल हो गया इस स्टेप में जो टी डीएन एस प्लाजमेट का बैक्टीरिया के ये ट्रांसफर हो प्लांट जीनोम में अब ये हिस्सा है किसका प्लांट जीनोम का ठीक है अब यहां पे क्या होगा जो ये टी डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेसिव सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइन एंड ऑक्सिन तो ये क्या बनाएगा एक्सेस अमाउंट एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइन एंड साइटोकाइन और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं किसके लिए बच्चों सेल डिविजन के लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल डिविजन के लिए जैसे ही सेल डिविजन ज्यादा होगा अनकंट्रोल्ड होगा दिस विल फॉर्म इससे क्या बन जाएंगे ट्यूमर तो ये इस तरीके से काम करता है आपके डायकॉट प्लांट में क्या आपको इतना समझ में आया अब आपने देखा ये कितना भयंकर है बेटा यस कितना भयंकर है तो अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं अब हमने क्या किया हमने इस टी डीएनए को हटा दिया वी रिमूव टी डीएनए रिमूव टी डीएनए इंस्टेड हमने यहां पे ऐड कर दिया फॉरन डीएनए क्या ऐड कर दिया हमने फॉरन डीएनए तो अब जब ट्रांसफर होगा प्लांट सेल में तो फॉरन डीएनए एंड प्लांट जीनोम बन जाएंगे ठीक है क्या बन जाएगा फॉरन डीएनए प्लस प्लांट जीनोम प्लस प्लांट जीनोम तो यानी डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने क्या किया हमने यही वेक्टर यूज किया जो पहले टी डीएनए ट्रांसफर करता था बट अब हमने उसकी जगह फॉरेन डीएनए हमने ऐड कर दिया ठीक है आया सबको समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ जल्दी बताओ बच्चों यस अच्छा बेटा एक सेकेंड बच्चों यार ये कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं ये सर जी हा ओ माई गॉड

हम्म hmm. रुको, रुको, रुको। हाँ 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 रोहन बिल्कुल सही कह रहा है भाई गजब गजब फायदा उठाया ना बच्चे ने यस yes. गजब 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 आज चैनल की सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा मुझे कोई नहीं बच्चों कोई नहीं यस गजब 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 चलो कितने नालायक बच्चे हैं ना इस संसार में अच्छी क्लास ही चलती हुई क्लास में व्हाट दे आर डूइंग कोई नहीं बेटा कोई नहीं बस आज का दिन ये लेक्चर तक का दिन तेरा उसके बाद देख तू जरा तेरे साथ क्या होता है यस चल आ जाओ बच्चों पढ़ते यहाँ पे

understanding of the art of delivering genes by pathogen in the eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vectors for delivering genes. Ruko bacho. Hi Pratiti. Good morning. Uh, Pratiti, uh, main thik ho. Chat box mein na thodi si problem chal rahi hai. There is one student. I'm sending you name on the WhatsApp. उस वो ना moderator है बन गया है एंड ही इज टाइम आउटिंग ऑल द स्टूडेंट्स ठीक है मेरे से गलती से हो गया था उसको ब्लॉक करना है मैं आपको नाम भेज देती हूँ हाँ मैं भेज हूँ ठीक है ओके ओके यस बच्चों कोई नहीं बच्चों कोई नहीं सब बच्चों को देखना आता है जी को आप चिंता ना करो <laughs> यस <laughs> चलो आ जाओ बेटा अब ध्यान से पढ़ो कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं नहीं जस्ट हैव अ स्माइल ऑन द फेस Have a smile on the face. चलो, अब पे पढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया जीन इन टू एनिमल सेल्स तो, तो यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि रेट्रो वायरसेस को हम यूज कर रहे हैं फॉर एनिमल सेल वही पे जो हमारा टीआई प्लाजमेट है एग्रो बैक्टीरियम टूमी फेसिज का उसको हम यूज कर रहे हैं फॉर द प्लांट सेल ठीक है बच्चो येस yes.

वो हाइड्रोफिलिक है तो दोनों का नेचर क्या है ऑपोजिट है दोनों का नेचर ऑपोजिट है वाई इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट बेटा देखो मैं आपको बता देती हूँ तुम्हें चाय पसंद है उसको कॉफी पसंद है ठीक है दोनों के डिफरेंट है ठीक है अब उसको कॉफी पे लेकर जाना उसको चाय पे लेके जाना बड़ा मुश्किल है अब चाय पीने जाने के लिए तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी मान जाओ मान जाओ तो ये मान जाने वाला जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी जब वो मान जाएगी तो बस चले जाना चाय पीने के लिए फोर्स बैक्टीरिया तो को प्लाज्मेट नहीं पसंद क्यों नहीं पसंद क्योंकि प्लाजमेट हाइड्रोफिलिक नेचर का है इसकी मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक की है

है ना यस yes. थोड़ा सा खर्च करोगे बच्चों सो दिस इनक्रीजेस एफिशिएंसी विद व्हिच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन द सेल वॉल तो अब क्या है ये डीएनए फटाफट से क्रॉस करेगा और सीधा चला जाएगा बैक्टीरियल सेल में ठीक है बच्चों आ गया सबको समझ में चलो अब देखो मां मेरा वो वाला अकाउंट ब्लॉक हो गया ये बच्चे ने किया बेटा सारा कोई नहीं हम करेंगे कोई नहीं कोई नहीं बेटा टेंशन मत लो आज मैं ना अ चैनल की सेटिंग्स पे बैठूंगी मैं सब सही कर दूंगी ठीक है डोंट वरी बड़े सारे बच्चों को कर दिया यार उसने चलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स इनटू सड्स सेल्स बाय इनक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस अब देखो प्रोसेस देखते हैं यहां पे व्हाट कैन बी द प्रोसेसेस बैक्टीरियल सेल को हम हीट शॉक मेथड देते हैं ठीक है केमो भी गया केमो को भी भेज दिया क्यों यूज कर रहे हैं हाँ पे बेटा हीट शॉक मेथड अब हीट शॉक मेथड क्या है पहले हम उसे ठंडा आइसक्रीम खिलाएंगे फिर एकदम से उबलता हुआ सूप पिलाएंगे फिर वापस से ठंडी आइसक्रीम खिलाएंगे हीट शॉक हो गया बस अब क्या अब जो भी बोलोगे क्या तुझे मुझसे प्यार हो गई क्योंकि भाई क्या भाई बिल्कुल ही है ना जबान तो बिल्कुल कर चुकी है गरम ठंडा गरम ठंडा

इनटू टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल्स है डायरेक्टली न्यूक्लियस में एनिमल सेल के भेज देते क्योंकि छोटा सा इंजेक्शन लगा देते हम ठीक है महंगा है क्योंकि यहां पर गोल्ड या टन हम यूज कर रहे हैं क्या यूज कर रहे हैं हम गोल्ड या टस्टन यूज कर रहे हैं तो गोल्ड एंड टन के जितने भी पार्टिकल्स है उनको हम डिप कर देते रिकॉम डीएर में ठीक है डिप करते हैं.

ट ये पूरा प्रोसेस है cell, तो स्टेप आज हमको पे करने हैं ठीक है ये आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल खेमो अपनी दूसरी आईडी लेकर आ गया रीकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटीरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन ठीक है हर एक ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है विदाउट एनी एक्सेप्शन चाहे आरएनए हो या डीएनए हो ठीक है इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीएनए इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर माइक्रो मॉलिक्यूल सिंस द डीएनए इज एनक्लोज विद इन अ मेम्ब्रेन वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए चलिए ओपन करते हैं सेल को फर्स्ट डायग्राम सेल वॉल अगर ये सेल वॉल प्लांट की है अगर ये सेल वॉल प्लांट की है तो एंजाइम कौन सा यूज करेंगे एंजाइम कौन सा यूज करेंगे Cellulase. ठीक है अगर यही वॉल बैक्टीरिया की है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है एंजाइम कौन सा यूज करेंगे लाइजोजाइम कौन सा यूज करेंगे एंजाइम लाइजोजाइम ठीक है तीसरा अगर यही सेल वॉल फंगस की बनी है फंगस की है सॉरी जो काइटिन की बनी होती है एंजाइम कौन सा यूज करेंगे काइटिनेस एंजाइम कौन सा यूज करे बच्चों काइटिनेस ठीक है तो सेल वॉल का तो काम कर दिया तुम लोगों ने बढ़िया से उसको तो तुमने रफा दफा कर दिया अब नेक्स्ट हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी होती है एंजाइम कौन सा यूज करेंगे हम लाइपेज लाइपेजेस भाई तो यहाँ पे प्रोटीन से प्रोटीन के लिए एंजाइम कौन सा यूज करेंगे प्रोटीएजेस और यहां आर एन ए तो आर एन ए के लिए एंजाइम कौन सा यूज करेंगे आरएनएस डीएनए के लिए क्या यूज करेंगे डीएनए क्या डीएनएज यूज करेंगे बच्चों क्या डीएनए करेंगे माई क्वेश्चन क्या आप डीएनएज यूज करेंगे अगर आपको डीएनए चाहिए तो भाई डीएनएज मत यूज करना अगर डीएनए चाहिए जो चाहिए वही उसी का खात्मा कर दोगे तुम सो दिस स्टेप नॉट टू बी डन याद रखना नीट एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है आपको नेवर यूज डीएनए इफ यू वांट डीएनए अगर आपको आरएनए चाहिए तो डीएनएज यूज करो तब आप नहीं यूज करेंगे ठीक है चलो ये तो हो गया अब आपको डीएनए मिल गया अब यहीं पे देखते हैं एनसीईआरटी ने भी यही सब लिखा जो हमने डायग्राम में बनाया है दिस कैन बी अचीव्ड बायTreating the bacterial cell plant और animal tissue with enzyme such as lysozyme cellulase chitinase You know that these genes are located on long molecules of dna intervene with proteins such as histones these can be removed by treatment with rnases iska naam hai rnases via proteins can be removed by using an enzyme protease other molecules can be removed by appropriate treatment ab last mein thanda thanda ethanol dal do तो आपको immediately lambe lambe स्ट्रैंड्स of dna मिलेंगे and this method is called as spooling

जैसे आप इसको मिक्स करके छोड़ दोगे ऑप्टिमल कंडीशन पे तो क्या होगा आपको डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे यू विल अब इनको अलग भी तो करना है अलग करने के लिए आप क्या यूज करोगे एग्रोस जेल क्या यूज करोगे आप एग्रोस जेल एग्रोस जेल ऑफ इन एंजाइम डाइजेशन डीएनएजिवली चार्ड मॉलिक्यूल इट मूव हम कर चुके पे, तो आज जल्दी से इसको कर लेते हैं याद रखना है कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस फॉरेन डीएनए के लिए भी हो रही है एट द सेम टाइम यही प्रोसेस आपने वेक्टर डीएनए के लिए भी करनी है दोनों के साथ आपने करनी है ठीक है Yes.

ये क्वेश्चन आता है इसको लिख लो कैरी कैरीस ठीक है पानी पीएंगे गूगल तो तो वाले तुमसे पैसे ले लेंगे क्या ऐसे रोते हो बेटा तुम तो यार अलग ही रोने में चाहते मतलब मान लो तुम्हारी एक आईडी ब्लॉक हो भी गई तो तुम्हारे पास दूसरी आईडी तुरंत से तैयार थी अपनी बात रखने के लिए पैसे ले लिए क्या गूगल वालों ने तुमसे ऐसे अजीब सा रोना लगा रखा है क्लास में किस बात का रोते रहते हो सबके पास पांच पांच आईडी कर रखी अच्छा हाँ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे मैं जान मुझ के पांच आईडी ब्लॉक कर दूंगी डेली <laughs> एक बात को भी और मॉडरेटर बना देती हूँ <laughs> चलो तरह अरे उड़ गे, उड़ गे, उड़ गे। बात अच्छी नहीं लगी भाई सिस्टम को सिस्टम को बात अच्छी नहीं लगी उड़ा दिया दिए मुझे बीच में चलो अब आ जाओ एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर अब हम ये करेंगे ठीक है चलो पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ठीक है इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन कौन सा जीन डिजायर्ड जीन तो यहां पे लिख लीजिए मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंसाइज इन विट्रो इन विट्रो का मतलब क्या आउटसाइड तो आप बॉडी के आउटसाइड बहुत सारी कॉपीज ऑफ डीएनए बना रहे हैं यूजिंग यूजिंग के बाद कहा गया कुछ गायब हुआ है क्या बच्चों फिर से नहीं यूजिंग टू अच्छा अच्छा ये नेक्स्ट पेज पे आएगा ये डायग्राम वाला पेज है चलो बेटा फर्स्ट स्टेप देखते हैं आ जाओ इधर मैम इस बहाने सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे यस

हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक ये वाली बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती है ठीक है उसके बाद जैसे ही ब्रेक होती है नई की एंट्री होती है इसलिए तो कहते हैं बेटा ब्रेकअप के टाइम पे ज्यादा रोने मत दिया करो किसी को ठीक है न्यू लोगों की एंट्री तुरंत से हो जाती है आजकल आंसू पोछने वाले तांत में बैठे होते कब आंसू पहुंचू मैं ठीक है तो यहाँ पे जो आंसू पहुंचने वाले वो है एनीलर्स ठीक है फिफ्टी टू सिक्सटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे आपको चाहिए एनीलर्स एनीलर्स को ही हम प्राइमर्स बोलते हैं ये ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है क्या होती है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ठीक है भाई ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है आप आ गए आंसू पूछने अरे तूने तो गलत ही पसंद किया था मैंने तुको तो हमेशा बताया था ठीक है ये हो गए अलग अलग हो गए अब प्राइमर्स भी गए आपको दिख रहे हैं

तो हमने शुरू किया था एक से अब यहां पे कितने मिल गए दो जोड़े पहले एक जोड़ा था अब कितने जोड़े मिल गए आपको दो जोड़े मिल गए ठीक है बच्चों बिल्कुल दो जोड़े मिल गए यहां पे ले लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस तो दो जोड़े मिल गए अब इसी का एक फॉर्मूला आपको बताएंगे टू की पार एन वेर एन इज द नंबर ऑफ साइकल्स नंबर ऑफ साइकल्स इन पी सी आर दिस विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ डी एन ए कॉपीज दिस विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज ठीक है भाई आगे सबको समझ में अब क्वेश्चन करेंगे लेट्स डू सम क्वेश्चन बिफोर वी गेट इन टू दिस आंसर बताओ बच्चों जल्दी आंसर मैम आरटीपीसीआर क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर चलो आज मैं बताती हूँ जीनियस एकेडमी जीनियस एकेडमी में प्यार से पूछा है यार जो बच्चा प्यार से सवाल पूछ रहे ना उसका जवाब देने में अलग ही आनंद आता है आज मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस है बिल्कुल प्रैक्टिस है यस बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल आठ आंसर दिए हैं सुखविंदर सिंह टुरुलव आठ आंसर दिए पक्का ना पक्का हो ना श्योर हो दिल बना दो एक बार अपने नाम के आगे पक्का मतलब आप कोई बदलेगा नहीं सबका आंसर आठ है ठीक है सचिन ओके धीरे धीरे बदलते हुए चलो आठ है ठीक है मैक्सिमम बच्चों ने आठ आंसर दिया है अरे मेरे तो ना, नालायकों मेरे गधो तुम्हारी तो पिटाई कर देने का मन करता है आपने टू कॉपीज ऑफ डीएनए से एक्सपेरिमेंट शुरू किया है अगर आप एक कॉपी से करते हो तो आप फॉर्मूला ये लगाते हो आंसर आता है ये बट आपने तो दो कॉपी से शुरू किया था तो इन टू टू सोलह मिलेगी कॉपीज़ जिस जिसने दिया था ना मेरे पलटू बच्चों वो अपने नाम के आगे इमोजी बनाएंगे ये वाला मेक दिस इमोजी इन फ्रंट ऑफ योर नेम अरे भाई पूरी क्लास ने आठ दिया था पूरी क्लास ने चार्ट का रिकॉर्ड रहता है हमारे पास यस yes. चलो कोई नहीं कोई नहीं अब क्या ही कर सकते जी कोई नहीं, कोई, नहीं, कोई, नहीं। कोई नहीं जो बच्चे एक, तो एक जगह के टॉपर के नंबर सौ में से एक सौ पांच आ गए भाई ये कैसे हो गया सत्रह कैसे आ गया मान ली बत्तीस भी मैं मान लेती चौसठ भी मान लेती बट सत्रह तो दिमाग में गया नहीं बेटा नहीं कैसे कैसे और अभी भी दे रहे आंसर Now we need two set of primers. Primers here are the small chemically synthesized oligonucleotide sequences. The enzyme DNA polymerase. The enzyme extends a primer using the nucleotide provided in the reaction and the genomic DNA as template. If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times. One billion copies. Such polymerase, which are thermostable, are tar polymerase obtained from thermos aquaticus. इंसर्शन ऑफ रिकॉमेंट डी एन ए टू हो सेल और ऑर्गेनिज्म आज आप इंसर्शन का प्रोसेस करते हैं आज बच्चों देर आर सेवरल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डी एन ए टू रेसिपेंट सेल रेसिपेंट सेल्स आफ्टर मेकिंग दम कॉम्पिटेंट पहले हम क्या करते हैं सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाते हैं होस्ट सेल्स को किसको बना रहे कॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स को टेक अप डी So, if a recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic is transferred into E. coli cells,

रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर ये वाला जो प्रोसेस है आरटीपीसीआर ये एक आलस की निशानी है क्या बच्चों ये एक आलस की निशानी है कैसे आलस की निशानी है चलिए मैं आपको बताती हूं अरे भाई बता रही हूँ आरटीपीसीआर अब चिल्लाओ मत आरटीपीसीआर इसमें हमने सीधा एमआरएनए लिया लिया आपने एम एमआरएनए ले लो ठीक है एमआरएनए से बना लो सी डी एन ए स्टैंड लो कॉम्पलीमेंट्री से डीएनए बना रहे हो तो एंजाइम कौन सा यूज करोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कौन सा यूज करोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अभी सी डी एन एल स्टैंडर्ड है अभी सिंगल स्ट्रैंडेड से आप बनाएंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या बनाएंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया है अब इसमें नॉर्मल पीसीआर करो नॉर्मल पीसीआर का मतलब क्या है पहला स्टेप डीनाचुरेशन फिर एनीलिंग फिर एक्सटेंशन फिर एक्सटेंशन अब आपने इसको यूज करके बिलियन ऑफ कॉपीज बना ली बिलियन ऑफ कॉपीज बना ली ठीक है अब इसका टेस्ट करो अगर कोविड पॉजिटिव है तो एक्सप्रेस करेगा कोविड नेगेटिव है तो एक्सप्रेस नहीं करेगा ठीक है यस आरटीपीसीआर कई बार बच्चे कहते हैं रियल टाइम पीसीआर भी है मतलब कि एक्चुअल वैल्यू उसी टाइम के रियल टाइम हाथों हाथ ठीक है जो रिजल्ट आ रहा है आपको बट आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर जो यूज होता है चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों ऑप्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट अब छोटा मोटा प्रोडक्ट बना के तुम्हें क्या ही कमाने को मिल जाएगा तुम्हें तो लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बनाना है लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए बड़े बड़े वेसल्स चाहिए चलो आओ देखते हैं कैसे करते हैं वेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डी एन एन अ ट्रांसफरियल प्लांट और एनिमल सेल द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड इन ऑलमोस्ट ऑल अल्टीमेट एम टू इज प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन क्या चाहिए तुम्हें हमेशा डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए

ट इज हेट्रोलोगस होस्ट होस्ट विदर प्लाज्मे फॉरन वेक्टर इसको कहते हैं ये वर्ड्स है जो तुम्हें समझ नहीं आते बच्चों कई बार इट इज कॉल्ड रिकॉम प्रोटीन द सेवरिंग मे बी ग्रोन ऑन आर स्मॉल स्कैन इन दैबोरेटरी और दे कैन बी ग्रोन इन कल्चर और वेसल्स द कैन बी मल्टीप्लाइड इन कल्चर सिस्टम कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम क्या होता है क्या होता है यस yes, बताइए बताइए क्या होता है कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम देख लेते हैं कल्चर सिस्टम क्या है कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे आप हर समय मीडियम डाल रहे हो और हर समय आप क्या निकाल रहे हैं वहां से प्रोडक्ट निकाल रहे हैं दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस कल्चर ठीक है यस ओपन सिस्टम ओपन बैथ सिस्टम वेर इन दूथ मीडियम इज ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड फ्रॉम टू में आप देख सकते हैं एक जगह से हम एड कर रहे हैं न्यूट्रिशन तो दूसरी जगह से प्रोडक्ट हम ऑप्टेन कर रहे हैं ठीक है और जो भी आपके बैक्टीरियाज है वो हमेशा कौन से फेज में, में, में रहेंगे एक्सपोनशियल और लॉक फेज में वो हमेशा मेंटेन रहेंगे ठीक है

जैसे कि आप लोग अपना रिवाइज कर सके और टेस्ट की प्रिपरेशन कर सके नहीं चैप्टर खत्म करके जाएंगे चैप्टर खत्म करके जाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ मैं इसीलिए बायो रिएक्टर्स कैन बी थॉट ऑफ एज इन विच रॉ मटीरियल स्पेसिफिक प्रोडक्ट तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सबस्ट्रेट को स्पेसिफिक प्रोडक्ट में लाइक like एंजाइम्स ठीक है A provides प्रोवाइड्स optimal कंडीशन optimal कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट by प्रोवाइडिंग optimum ग्रोथ कंडीशन तो ये आपको ऑप्टिम ग्रोथ कंडीशन देता है लाइक टेम्परेचर पीएच सबसे विटामिन, ऑक्सीजन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर, कौन से मोस्ट कॉमनली यूज है चलो देखते हैं अरे भाई उसका इन्फेक्शन भी हो जाएगा तो हो जाएगा क्या फर्क पड़ता है जितना जिंदगी में अच्छा काम करना था उतना कर लिया बाकी भगवान मौका देगा तो और करेंगे नहीं होगा तो नहीं करेंगे चलो बस टेंशन क्या टेंशन क्या लेनी बेटा हम नहीं लेते किसी चीज की अपन सच्चे हैं आज कुछ भी होता है कोई नहीं लाइफ में जो भी किया अच्छा किया आगे भगवान मौका देगा तो और अच्छा करेंगे बट प्लीज टेंशन मत लेना ना तुम ना देना किसी को अब ए आते बच्चों ए वाला हमारा सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर ठीक है सिंपल स्टर्ट बा, टैंक बायो रिएक्टर है तो आप यहां पे देखेंगे यहां पे फुल ऑक्सीजन हम दे रहे हैं थ्रू आउट द कल्चर मीडियम सो दिस इज यूज टू प्रोवाइड प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू आउट द सिस्टम थ्रू आउट द सिस्टम तो पूरे सिस्टम में थ्रू आउट हम क्या दे रहे हैं ऑक्सीजन दे रहे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया ठीक है बच्चों यहीं पे आप देख सकते हैं स्पार्जर है स्पार्जर जो है आपका इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर ट्रांसफर ये स्पार्टज वाला है तो यहां पे आप देख सकते हैं हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलेगी तो यहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द स्टर्ड टैंक रिएक्टर। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट पे चलते हैं सिलेंड्रिकल ठीक है और विद इन बेस्ड टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कॉन्टेंट्स द स्टर फेसिलिटेट इवन मिक्सिंग

क्योंकि अगर ऊपर वाली परत पे फॉर्म जम गया तो इट विल कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ठीक है यस सो फोम कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देयर फोर फोम कंट्रोल सिस्टम हैज टू बी यूज हैज टू बी यूज ठीक है बच्चों डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग देखते हैं आफ्टर है डाउन मतलब प्रोसेसिंग करने से पहले उसको सज्जा सवरण भी करना है अच्छे से करना है बेटा तभी तो कोई खरीदेगा उसे तो सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग उसके बाद द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्म्युलेटेड विद सूटेबल प्रिजरवेटर्स प्रिजरवेटिव्स यूज कर सकते हैं हम स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी होती है उसके बाद जब फाइनली एक्सप्रेशन होता है तो हम उसे अपस्ट्रीम प्रोसेस कहते हैं ठीक है बच्चों डन समझ में आ गया डाउट सेशन ओपन डाउट सेशन ऑफ द चैप्टर आई विल गिव यू 10 मिनट्स फॉर द ओपन डाउट यस जल्दी बताइए चले जल्दी बताइए मैम ओपन डाउट सेशन फॉर टेन मिनट्स ऑन यूट्यूब बच्चों मैम आरटीपीसीआर एमआरएनए ही क्यों लेते हैं एमआरएनए इसलिए लेते हैं क्योंकि एमआरएनए इज एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ अ जीन यस नेक्स्ट बच्चों एनीलिंग एनीलिंग इज अ प्रोसेस जहां पे एनीलर्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं विद द सीक्वेंस ऑफ डीएनए ठीक है नेक्स्ट आराम आराम से बच्चों मैम एन के एन पीडीएफ मिलेगा शेयर कर देती हूँ पट सारे के सारे डाउनलोड करके एक बार फिर से अपने लेवल पे भी प्रैक्टिस कर लेना कुछ के आंसर गलत है तो वो आप सेशन की रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि मैम ने क्या आंसर टिक कराया कर ठीक है और बताओ ध्यान से एक सेकेंड बच्चो स्लोली स्लोली हाँ

इन बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया जीन ट्रांसफर कर रहे हैं हम किसमें बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया कर रहे हैं और इसमें हम क्या करते हैं बच्चों यहां पर हम इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस सो दैट वी कैन अलाउ द जीन ट्रांसफर ठीक है ये yes. नेक्स्ट बच्चो जन ऑफ एप्लीकेशन द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर दर एप्लीकेशन स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अभी बारह साढ़े बारह सौ बच्चे बैठे हैं डाउट सुनने के लिए और बता पूछने के लिए भाई माही ने रखता है यार मैम अपस्ट्रीम एक्सप्लेन कर दो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन सेल्स आफ्टर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ठीक है नेक्स्ट बच्चों मैम एनटीए टेस्ट कहां देना है एनटीए के टेस्ट के लिए ऊपर एक लिंक दिया होगा अपने से क्लिक करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है इस कोड को यूज करना है फॉर फ्री एनरोलमेंट फ्री एनरोलमेंट ठीक है नेक्स्ट ओके आराम से बच्चों आराम से सादरन ब्लॉटिंग क्या होती है सादरन ब्लॉटिंग जो प्रोसेस है उसमें हम डीएनए को यूज करते हैं दर्न में हम आरएनए को करते हैं वेस्टर्न में हम प्रोटीन के लिए करते हैं नेक्स्ट कॉस्मिड, कॉस्मिड इज अ वेक्टर ये भी एक तरह का वेक्टर है जो कॉस साइड ऑफ पाच प्लस प्लाज्मिड के कॉम्बिनेशन से बनता है जिसे हम कॉस्मिड कहते हैं ठीक है दिस कैन ऑल्सो बी यूज एज ए वेक्टर, ओके नेक्स्ट प्लाज्मा डीएनए एंड क्रोमोसोमल डिफरेंस ओके प्लाज्मा डीएनए जो है सर्कुलर होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा होता है एंड विदाउट हाउस कीपिंग जीन्स होता है विदाउट हाउस कीपिंग जीन्स मतलब इसमें हाउस कीपिंग जीन्स नहीं होते हैं तो इट इज नॉट इफेक्टिंग द सर्वाइवल ठीक है नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट ओके लेट मी आइडेंटिफाई शटल वेक्टर शटल वेक्टर शटल वेक्टर वो वेक्टर्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी एक्सप्रेस करते हैं यूकैरियोटिक सेल में भी एक्सप्रेस करते हैं ऐसे वेक्टर्स जो दोनों सेल में एक्सप्रेस करते हैं उसे हम शटल वेक्टर्स कहते हैं ठीक है नेक्स्ट बच्चों Illusion का मतलब भ्रम होता है आश्मी ओके ओके नेक्स्ट 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 मैम व्हेन एंटीबायोटिक एक सेकेंड क्वेश्चन हाउस कीपिंग जीन्स कौन सी होती है हाउस कीपिंग जीन्स वो होती है जो सर्वाइवल के लिए होती है सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल ठीक है ठीक हाँ. है बच्चों तो चलो इसी के साथ आज की क्लास हम ओवर करेंगे डाउट टाइमिंग इज ओवर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर द वीडियो नाउ आईल बी मीटिंग यू एट वन ओ क्लॉक वन ओ क्लॉक में आपको मिलती हूँ फॉर एनटीए मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस चलिए बाय बच्चो थैंक यू किड्स